हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 3, मेक इट शॉर्टर। बच्चों, जो आगे के दो पार्ट हैं उनका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पहले दे करेक्ट ऑप्शन, वो भी मैंने आपको सिखा दिए थे। ए बी सी और डी चार अल्फाबेट है, उनमें से जो सही आंसर है उसके सामने जो अल्फाबेट आता है वो बॉक्स के अंदर लिखना है। उसके बाद ब्लैंक थी, फिर राइमिंग वर्ड लिखने दे, फिर पिक्चर देख के आपको उसका नाम लिखना था उसके सामने। जैसे कि पिकॉक का पिक्चर है तो ब्लैंक के अंदर पिकॉक लिखना है। फिर ओपोजिट वर्ड्स लिखने आपको। फिर एक पिक्चर दिया गया था ब्लैंक और उसमें आपको कलर ड्रॉ करना है और उसके हिसाब से पीछे जो पैराग्राफ दिया वो आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद सिंगुलर से प्लूरल में लिखना है वर्ड्स। मैंने आपको वो सिखा दिए कि कब और कौन से वर्ड के पीछे क्या लगाया जाएगा, वो मैंने आपको सिखाया था। ई एस किस किस के पीछे लगाया जाएगा, तो जो वर्ड्स हैं उसके पीछे एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स, वो इनमें से वर्ड के पीछे आते हैं। इनमें से कोई भी अल्फाबेट तो उसके पीछे ई एस लगाया जाएगा तो वो प्यूरल हो जाएगा। फिर वाई, तो वाई निकाल के वाई को इरेज करके उसकी जगह आई ई एस लिखना है। वर्ड के पीछे जो शब्द आता है हमारा उसके पीछे वाई जो अल्फाबेट है वो निकाल के उसके पीछे आई ई एस लगाया जाएगा, वो दो। और थर्ड नंबर पर है एफ और एफ ई, एफ आएगा या एफ ई आएगा, दोनों के दोनों निकाल के, जैसे कि यहाँ पर लीफ एल ई ए एफ, तो लीफ तो लास्ट में एफ आया तो एफ निकल जाएगा, हम उसको इरेज कर देंगे, उसी की जगह क्या आएगा वी ई एस, तो एल ई ए वी ई एस, ऐसे पूरा जो वर्ड है वो ऐसे हो जाएगा। फिर उसकी जगह सेकंड नंबर पर आपको एग्जांपल देता हूँ, नाइफ के एन आई एफ ई, तो यहाँ पर एफ ई निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा वी ई एस, तो आपको मैंने वो लिखाया था यहाँ पर, सॉरी समझाया था, और उसके हिसाब से आपको ब्लैंक दी गई थी 1 से लेके 18 तक के जो होमवर्क मैंने आपको दिया था। आई होप आपने भी वो होमवर्क अच्छी तरह किया हो। तो यहाँ पर मैं फिर से वो आपको लिखवा दूँ कि ई एस कब और किसके पीछे लगाया है, उस आपको लिखना है वर्कबुक के नीचे जो जगह रखी है थोड़ी ब्लैंक है वहाँ पर आपको ये लिखना है। और एक्स, फिर आई एस, वाई निकाल के आई एस लिखना है, वाई इरेज कर देना है और इसकी जगह आई एस लिखना है। फिर वी एस, यहाँ पर एफ और एफ ई, वो निकाल के यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर है फ्लाई, तो इसका आंसर क्या आएगा एफ एल सेम टू सेम आएगा, वाई निकल जाएगा, वाई हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे आर ई एस, ये इसका एग्जाम्पल है।
फिर इसका एग्जांपल लीव एफ निकल जाएगा, यहाँ पर एफ निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा वी ई एस, वी ई एस आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर हम के एल आई सी एफ सेम लिखेंगे और एफ ई है वो निकल जाएगा, हम वो उसको इरेज कर देंगे, उसकी जगह क्या आएगा वी ई एस। फिर से आपको मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, इसे आपको समझ में ना आए तो मैंने फिर से भी आपको समझाया। आई होप अब आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब आगे का जो ये आपको सॉरी ये आपको जो नीचे ब्लैंक जो 1 से लेके 80 तक उसके नीचे जो पूरा पेज है आधा पेज है ब्लैंक, उसके नीचे आपको पेंसिल से लिखना है, थोड़ी जगह है उसके नीचे आपको लिखना है। अब हम जो आगे का लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा जो लेसन है मेक इन शॉर्ट, तो ये कहानी थी मैंने आपको स्टोरी जो थी वो मैंने आपको सुनाई थी। आई होप आप वो स्टोरी अच्छी तरह सुनी भी होगी। एक बीरबल और अकबर और जितने मिनिस्टर थे उन लोगों के बीच में थी ये स्टोरी। बीरबल ने 2 लाइन ड्रॉ की थी, उनमें से 1 लाइन शॉर्ट करनी है बिना इरेज किए, तो सारे के सारे कर्मचारी एक उलझन में पड़ गए और बीरबल जो बीरबल नाम का एक कर्मचारी था वो एक लाइन को बिना इरेज करे एक लाइन को लंबी कर दी और यहाँ पर सारे के सारे कर्मचारी वो उसको मानने लगे कि ये सही है। तो ये स्टोरी थी। अब हम आगे का जो लेसन है वो आज स्टार्ट करेंगे, तो पेज नंबर 130 ओपन करो। पेज नंबर 130, लुक लिसन एंड रिपीट। जो बॉक्स में वर्ड दिए गए वर्ड्स वो आपको 1 by 1 रिपीट करना है और देख के सुनना भी है और दूसरों को भी सुनाना है और 1 by 1 रिपीट करना है। शॉर्टर ड्रू लैंड फ्लोर ऑर्डर रब पार्ट न्यू ईच मिनिस्टर लुक्ड पजल ओल्ड थिंग लॉन्गर विदाउट रेजिंग स्टार्ट स्माइलिंग टर्न डियर फर्स्ट डिडंट। डिडंट भी बोला जा सकता है और डिड नॉट भी बोला जा सकता है। टच कॉट और ट्रू, तो ये आपको इसी तरह आपको ये बोलना है, जो बाकी के जो वर्ड्स है वो सुनना है और देखना है और भी 1 by 1 रिपीट करना है बोलना है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 140। Write the correct option A, B, C or D in the box. आपको जो 4 अल्फाबेट दिए A, B, C और D, उनमें से जो सही आंसर आता है उसके आगे जो अल्फाबेट आता है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पर। अकबर ड्रू अ प्लैंक ऑन द फ्लोर, अकबर ने फ्लोर के ऊपर क्या ड्रॉ किया था, तो आपको पता है कि उसने क्या ड्रॉ किया था, तो हम उसके ऑप्शन देखते हैं। ए लाइन, बी सर्कल, डी स्क्वायर और डी रेक्टेंगल। तो क्या आंसर आएगा, तो उसने क्या ड्रॉ किया था, उसने लाइन ड्रॉ की थी, कितनी की थी ड्रॉ 2। तो यहाँ पर उसका जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है, अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, तो ब्लैंक के अंदर भी लाइन लिखना है और उसका अल्फाबेट जो आता है ए वो भी आपको ए अल्फाबेट आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
हमारे साथ भी आपको वहाँ पर लिखना है। फर्स्ट नंबर पर है नाइन, अल्फाबेट है ए। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है, अकबर ऑर्डर टू मेक द लाइन ब्लैंक। अकबर ने ऑर्डर दिया था दोनों लाइन ड्रॉ किए थे, उसने क्या ऑर्डर किया था? तो ऑप्शन है ए लॉन्गर, बी शॉर्टर, सी थिकर और डी थिनर। थिकर, थिनर, शॉर्टर और लॉन्गर। तो अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था कि दोनों के दोनों लाइन ड्रॉ किए थे, उसने जो लाइन ड्रॉ किए थे ना उनमें से एक लाइन शॉर्टर मीन्स शॉर्ट छोटी करनी है, एक लाइन छोटी करनी बिना इरेज करे एक लाइन छोटी करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी शॉर्टर। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर, ऑल द मिनिस्टर्स वेयर ब्लैक। तो सारे के सारे मिनिस्टर क्या हो गए थे? एक उलझन में पड़ गए थे। क्या हो गए? सारे के सारे जितने भी वहाँ पर कर्मचारी थे वो सारे के सारे एक उलझन में पड़ गए थे। ऑप्शन है ए एंग्री, बी हैप्पी, सी क्लेवर और डी पजल। तो सारे के सारे कर्मचारी थे वो एक उलझन में पड़ गए थे, तो उसका ऑप्शन है डी पजल। ऑप्शन है डी। तो आपको बॉक्स के अंदर ऑप्शन लिखना है। फोर्थ नंबर पर है, बीरबल ड्रू अ ब्लैंक लाइन अंडर द फर्स्ट वन। उसने फर्स्ट लाइन कैसी की थी, मतलब किस तरह उसने लंबी की थी या छोटी की थी? दो लाइन ड्रॉ किए थे अकबर ने, उनमें से एक फर्स्ट वाली जो लाइन थी उसने एक लाइन लंबी की थी। तो ऑप्शन है ए थिकर, बी थिनर, डी लॉन्गर या डी शॉर्टर। तो क्या ऑप्शन आएगा? तो दोनों लाइन में से एक लाइन बीरबल ने लंबी की थी, तो वहाँ पर एक आएगा, वहाँ पर आएगा लॉन्गर, यहाँ पर आएगा सी लॉन्गर। ऑप्शन है सी। तो ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के करेक्ट ऑप्शन आप अपनी वर्कबुक के अंदर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के आंसर आपको देने और वहाँ पर आपको लिखने। व्हाट डिड अकबर ड्रॉ ऑन द फ्लोर। अकबर ने फ्लोर के ऊपर क्या ड्रॉ किया था, क्या दौरा था? तो आपको पता है कि अकबर ने फ्लोर के ऊपर लाइंस ड्रॉ की थी, दो लाइन जो थी वो उसने ड्रॉ की थी। तो फर्स्ट का आंसर लिखते हैं,
तो फर्स्ट का आंसर है अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। अकबर ने फ्लोर के ऊपर लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर है व्हाट डिड ही ऑर्डर। अकबर ने जितने भी उसके सामने जितने भी कर्मचारी थे जितने भी मिनिस्टर थे उनको उसने क्या ऑर्डर दिया। तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि दोनों लाइन में से एक लाइन छोटी करनी है, शॉर्टर, एक लाइन छोटी करनी है। तो सेकंड का आंसर लिखते हैं सेकंड का आंसर है ही ऑर्डर्ड दैट मेक लाइन शॉर्टर। उसने जितने भी कर्मचारी थे उसके सामने उसने एक ऑर्डर मीन्स लाइन दोनों लाइन में से एक लाइन छोटी करनी वैसा ही ऑर्डर दिया था। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड बीरबल डू। बीरबल ने क्या किया। बीरबल ने अकबर ने जो दो लाइन ड्रॉ की थी उसमें बीरबल ने क्या किया। तो उसमें बीरबल ने एक लाइन जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो लाइन को इसने वो लाइन लंबी की। तो उसने पहली लाइन वो लंबी की। तो थर्ड का आंसर लिखते हैं थर्ड नंबर का आंसर है थर्ड का आंसर है बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। तो थर्ड का आंसर आप लिख सकते हो। आपको फिर से वो समझा देता हूँ कि अकबर ने दो लाइन ड्रॉ की थी उनमें से फर्स्ट वाली लाइन को बीरबल ने लंबी की थी। तो सारे के जितने भी कर्मचारी थे वो सब मानने लगे कि ये सही है। उसके बाद उसके नीचे देख सकते हो ब्लू रेड और लाल। ये आपको मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। उनमें ये डिग्री ये क्या है डिग्री कितनी डिग्री है वो भी सिखाऊंगा और तीनों की तीनों कुल मिला के तीन डिग्री है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा और अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। देखिए ये टॉलर और टॉलेस्ट
ई आर उसके पीछे क्यों लगाया गया और ई एस टी उसके पीछे क्यों लगाया गया, तो वो मैं जो अगले नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।